नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेन्दु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज। मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी से यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 128वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में वृद्धि से गर्मी का असर बढ़ा। 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। समाचार विस्तार से। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से लेकर अंतिम चरण तक के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों पूर्णिया, भागलपुर, बांका, किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है। इन क्षेत्रों में 16 अप्रैल की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए इन 5 संसदीय क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बांका जिले में पार्टी प्रत्याशी गिरधारी यादव और पूर्णिया में पार्टी प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं से बिहार आर्थिक प्रगति की राह पर अग्रसर है। बांका में सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि गरीबों को 2 रूपये गेहूं और 3 रूपये चावल उपलब्ध कराने के बाद सस्ती चीनी भी देने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज खगड़िया जिले के अलौली में महागठबंधन प्रत्याशी मुकेश सहनी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जबकि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय ने जिले के हलई समेत विभिन्न स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। वहीं समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी रामचंद्र पासवान ने खानपुर, रोसड़ा और सिंधिया सहित अन्य स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इधर बेगूसराय से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार और महागठबंधन के प्रत्याशी तनवीर हसन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को अररिया में और 25 अप्रैल को दरभंगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 अप्रैल को मुंगेर, बेगूसराय और उजियारपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अप्रैल को सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान ईवीएम के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। आज नई दिल्ली में एक संयुक्त सम्मेलन में विपक्षी दलों ने वीवीपैट की 50% पर्चियों की गणना किए जाने की मांग की। भाजपा ने विपक्षी दलों की बैठक पर आरोप लगाया है कि तथाकथित महागठबंधन अपनी संभावित पराजय को देखते हुए तथ्यहीन बातें कर रहा है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों की जांच और छापेमारी के दौरान 5,32,00,000 से अधिक करेंसी जब्त की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़नदस्ता, निगरानी टीम और पुलिस ने जांच और तलाशी के दौरान यह बरामदगी की है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर भी एसएसबी और पुलिस ने 32,00,000 रूपये से अधिक नेपाली करेंसी जब्त की है। जदयू के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा आज विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हो गए। सदस्यता समारोह में हम के प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने नीतीश सरकार पर महादलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी ने जेल अधीक्षक राजीव कुमार सिंह सहित कुछ पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिला पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले पत्र के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ललिता सिंह की अध्यक्षता में मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच टीम अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में देगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के सहदेई रेलवे स्टेशन पर बरौनी सोनपुर सवारी गाड़ी आज रेलवे लाइन के दोहरीकरण में लगी पोकलेन मशीन से टकरा गई। इस दुर्घटना में कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। इधर बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर आज गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों से धुआं निकलने से कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि चेन पुलिंग के दौरान ट्रेन के डिब्बों में धुआं भर गया था। उन्होंने बताया कि जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। क्षेत्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। भागलपुर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर है। यहां 18 अप्रैल को मतदान होना है। मुख्य मुकाबला निवर्तमान सांसद और राजद से महागठबंधन के उम्मीदवार बुलो मंडल एवं जदयू से एनडीए उम्मीदवार अजय मंडल के बीच माना जा रहा है। दोनों गठबंधनों की ओर से प्रचार का शोर काफी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव अपने अपने प्रत्याशियों और गठबंधन के लिए सभा कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी रोड शो कर एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। 16 अप्रैल की शाम प्रचार थमने से पहले कई रोड शो और सभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिले में आचार संहिता उल्लंघन के 99 मामले दर्ज हुए हैं। इधर प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सखी मतदान केंद्र बनाया है, जहां सिर्फ महिला कर्मी की ड्यूटी होगी। सबौर में एक दिव्यांग आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 128वीं जयंती पर स्मरण किया। इसी दिन 1891 में बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इस अवसर पर देश भर में कई समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देश में एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जिसमें कमजोर वर्गों, किसानों, श्रमिकों और विशेष रूप से महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिले। श्री कोविंद ने लोगों से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके आदर्श हमेशा भारतीयों को प्रेरणा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य राजकीय समारोह पटना में हाईकोर्ट परिसर के पास आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में वृद्धि से गर्मी का असर अधिक देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में अगले 48 घंटों में गर्मी बढ़ेगी और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गया रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आंधी, ओलावृष्टि और हल्की बारिश की आशंका भी व्यक्त की है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ढाब निजामत दियारा गांव के दो बच्चों की गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के कुपाडी मोड़ के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से होमगार्ड के 7 जवान घायल हो गए। होमगार्ड के जवान दूसरे चरण के चुनाव के लिए कटिहार जा रहे थे। इधर कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के भभुआ मोहनिया रोड पर मरीचांव गेट के पास एक बस के पेड़ से टकरा जाने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 24 अन्य यात्री घायल हो गए। आरा जिले के भोजपुर में कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के घाघर मिल्की में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज। मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी से यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 128वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। और राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में वृद्धि से गर्मी का असर बढ़ा। 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।